नहीं पहुंच पा रहे, तो इस कैंप में क्या खास चीज़ आप लोगों को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हर ये प्रोफेशनल गेम है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो होती है और बिल्कुल हमें भी चाहिए कि हम इसको इम्प्रूव करें। अगर दुनिया बात कर रही है तो वो स्टेट्स पे ही बात करती है, तो गेम में इसी पे काम हो रहा है कि मतलब किस तरीके से हमने मतलब हर तरह से काम हो रहा है, स्पिनर्स पे भी, फास्ट बॉलर्स पे भी, सिंगल डबल पे भी हो रहा है, मतलब पावर हिटिंग पे भी काम हो रहा है। और आपने सही बोला कि अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्ट्राइक रेट 130 का है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको 135-40 पे ले जाऊं। तो बिल्कुल वो चीज़ें हमारी माइंड में भी है और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। इफ्तिखार अपना फखर साइम अय्यूब के आने से समझते हैं कि आप पर जो कि नंबर था ओपनिंग का, उसके का ना होने से आपको प्रेशर है थोड़ा सा अपनी पीछे खेलने से? देखिए, इतनी क्रिकेट हम लोग खेल चुके हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल हमारे माइंड में नहीं होती। और मैं साइम अय्यूब को बहुत हाईली रेट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जितना वो टैलेंटेड है अभी तक वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। और मुझे यही उम्मीद है कि उसको जितना ज़्यादा मौका मिलेगा इन्हीं मतलब ओपन या वन डाउन में, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फतूहत हासिल कर सकता है जिस तरीके का वो टैलेंट है। और मैं आप लोग भी यही कहूँगा कि कुछ फेलियर्स पे उसको आप लोग जज ना करें, क्योंकि वो इंशाल्लाह फ्यूचर का बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मिडल ऑर्डर में उस तरह मतलब स्टेट वाइज अगर बात करें तो बिल्कुल हमारी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है और ये हमारे बिल्कुल माइंड में भी है और इसके लिए तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा की है। आप लोग देख भी रहे थे कि जिस तरीके से शफलिंग भी हो रही थी और डिफरेंट प्लेयर्स को भी खिला रहे थे, तो वो हमारे माइंड में है और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैचेस है और वर्ल्ड कप में आपको दिखेगा भी कि इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें। देखिए, प्रिपरेशन तो हम लोग काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट करते हैं और हर मैच को जो है ना हम लाइट नहीं ले सकते। किसी भी मैच को, इंडिया से हो या वो वेस्ट इंडीज़ से हो, किसी भी मुल्क से हमारा मैच हो, तो हम उसको क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी को भी हल्का नहीं ले सकते। आप देख रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम ने हमें बहुत टफ टाइम दिया और वो हालांकि उनके काफ़ी ज़्यादा प्लेयर जो है वो बिजी थे, वो आए भी नहीं। तो इस लेवल पे हमारा हर टीम के लिए एक तरह ही प्लानिंग होगी। वो इंडिया हो, मैं समझता हूँ इंडिया के साथ जब मैच होता है उसको मीडिया हाई बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन हम एज अ प्लेयर्स जो है या जो हमारी मैनेजमेंट होती है, हमारी मीटिंग बल्कि इवन इंडिया और जितना बड़ा मैच होता है उसके लिए हम लोग और रिलैक्स जाते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर जिस तरह मीडिया पे होता है इस तरह प्लेयर्स के माइंड में तो होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको और ईजी लें। थैंक यू, थैंक यू। सवाल करके खुद ही के पीछे पड़ के इंडिया के पीछे। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन। इब्रार, कितना खास है टूर आपके लिए और ख़ास तौर पर ये जो कैंप में आप लोग तैयारी कर रहे हो और क्या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जैसे ये टूर मेरे लिए ख़ास है, सबके लिए ख़ास है और तैयारियाँ बहुत अच्छी जा रही है। सब यानी जेल हो के हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल रही है। सारी दुनिया की नज़रें आप पर है पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से, तो आप पर ज़्यादा प्रेशर है कि कोई नई वैरायटी इस्तेमाल करें? नहीं, आपका सवाल दोबारा करना। मैं क्या अपनी तैयारी, सारी नज़रें आप पर हैं या कोई स्पिनर के हवाले से कोई मज़ीद कोई वैरायटी आप लगा रहे हैं या उसी पर मेहनत कर रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह एक वैरायटी है, उस पर भी काम कर रहा हूँ और मज़ीद अपनी बॉलिंग को और निखारूँगा और मेरी भी यही उम्मीद है कि अपनी कौम को खुशी दे सकूँ और ये वर्ल्ड कप लेके आए। जैसा कि आपने बात की 1992 की, यानी सैफी भाई 2017 की आपने बात की और यानी वर्ल्ड कप की बात की, यकीन करें वो उनको देख के ना खुशी होती है कि वो वर्ल्ड कप लेके आए। मेरी दिली ख्वाहिश भी ये है कि बस हम इतनी एफ़र्ट करें अपनी तरफ से कि ये वर्ल्ड कप हम लेके आए। मेरे तो बहुत बड़ा ड्रीम होगा कि अगर मैं ये वर्ल्ड कप खेलता हूँ और ये वर्ल्ड कप मुझे पता है अगर हम ये जीतते हैं तो आपको पता है हमारी आवाम का, तो यानी वैसे ही उनके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं है, तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम ये वर्ल्ड कप जीत के उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लानी चाहिए। कप्तानी के बारे में ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब बेहतर है। वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल हैं, जिस तरह बॉल बंकर होते हैं, रन ज़्यादा नहीं होते, इतने इकोनॉमी इतनी रोकती है अपनी टीम को जितवाना, क्योंकि हम मिडिल ओवर में ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी थोड़ा लैग कर रहे हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है, आपने मिडिल ओवर में बॉलिंग करनी है। पहले तो मैं ये बात कर लूँ, चाहे मुझे मिडिल में बॉलिंग मिले या नया बॉल मिले, मेरी जिम्मेदारी है बॉलिंग करना, तो ये कोशिश तो यही होगी। पहले तो जाके पता चलेगा कंडीशन और विकेट को कि ये किस टाइप की क्या विकेट है, फिर उसके बाद मैं अपनी बॉलिंग को करता हूँ उस तरह। थैंक यू सर।